नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और आज क्या बनने वाले हैं हम लोग, गैस करो भाई, गैस करो, गैस करो, गैस करो। 2020 में वाट लगा दी कोरोना ने सबकी, अब यही एक काम बच जाता है जिसमें भाई काम की गारंटी होने वाली है जब तक कोरोना है, और वो है मुर्दों को संभालने का काम। वही काम करने जा रहे हैं और क्या हम लोग। आज की जो गेम है, आइए हम आ जाते हैं, मैं क्रेडिट को हटा देता हूँ, बहुत देर से क्रेडिट पे हो रहा है। ग्रेवयार्ड कीपर बनने वाले हैं हम लोग, मुर्दा घर को संभालने वाले बनने वाले हैं हम लोग। ये इसका जो मेन गेम है वही है, मैंने इसके डीएलसीज बाय नहीं किए हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि मुर्दा घर को संभालने वाले के ऊपर भी कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। लोग कहते हैं इंसान मर जाता है जिम्मेदारियां खत्म हो जाती है, लेकिन भाई उसके बाद आज जो मैं काम करने वाला हूँ उसका काम बढ़ने वाला है। चलिए प्ले करते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे आज के गेम प्ले। न्यू गेम, ग्रेवयार्ड कीपर का लोगो हाथ में क्या लिया है भाई साहब इसने, इसके बाल तो छोड़ो, सर आंख वहां कुछ है ही नहीं। अरे चालू हो गई गेम, चालू हो गई यहाँ पर। वॉइस ओवर नहीं है इस गेम में, चलो मेरे भरोसे ही रहो आप लोग। और क्या, एक इंसान है, हम हैं, वो जा रहे हैं घर, हमारे भाई हमको जो चाहने वाले हैं घर पे, हमारी फैमिली मेंबर्स याद कर रहे हैं हमको, जाना तो पड़ेगा ही भाई, इंसान कमाता है किसके लिए, फैमिली के लिए। अरे फोन आया वाइफ का, ओए कुछ गाड़ी की टकरानी का, अंडरटेकर, गाड़ी की टकरानी की आवाज, और फिर अंडरटेकर आ चुका है। बहुत कम हाइट का यार, 6'10" नहीं लग रहा, ये नकली वाला अंडरटेकर है भाई, छोटका है। कह रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी का एक पन्ना पलट दिया है, कौन सा भाई, और नया चैप्टर वेट कर रहा। मैं ऐसा लगता हूँ, ऐसा तो नहीं लग रहा भाई, दाढ़ी वाड़ी तो अभी क्लीन है, पहले का है लग रहा है, नया चैप्टर है ना भाई इसमें। मैं बोल रहा हूँ मुझे घर जाना है, अंडरटेकर जाने देगा नहीं, लास्ट राइड तो करा के ही भेजेगा। चलो देखते हैं उनकी लास्ट राइड कहाँ होती है। कह रहा है कि तुम्हारा नया घर कब्रिस्तान है। अरे भाई क्या मैं मर गया हूँ, पता नहीं भाई अभी तो। कह रहा है कि नहीं तुम, कुछ बोला नहीं अंडरटेकर, कह रहा है कि तुम ग्रेवयार्ड कीपर बन गए हो, उसका जवाब नहीं दिया कि जिंदा हो या मर गए हो। मुझे, मैं कह रहा हूँ भाई मुझे घर जाना है, अब मम्मी के पास या वाइफ के पास, वो तो नहीं बोला लेकिन जाना है घर। यहाँ पर कह रहे हैं अच्छा मैं उठ चुका हूँ भाई, अब रियलिटी में आ चुके हैं हम लोग, अब मेरे हाथ में गेम का कंट्रोल आ चुका है, हमें कैरी को फाइंड करना है। अब ये पता नहीं कैरी कौन है, हाल फिलहाल ये हमारा घर है, यहाँ से मैं बाहर निकलूंगा तभी आइडिया मिलेगा। चलो चलते हैं फटाफट, दबाओ इसे। अच्छी बात है कि अभी गेम खुद ब खुद डायरेक्शन दिखा रही है, तो गेम का डायरेक्शन हम फॉलो करते हैं। ये क्या है, कब्र खोदनी है भाई, कब्रिस्तान को रखवाला बनाया है तो कब्र तो खोदनी पड़ेगी। ये कौन निकला भाई, कबूतर निकली, ये खोपड़ी निकली, पूछ रहे क्या है तुम गैरी हो। खुद को नहीं मालूम कि क्यों है यहाँ पर, मैं उसको बता रहा हूँ, एक लाल आंख वाला मिला था अंडरटेकर, मिला था हमें, उसने बताया, उसको याद आ गया, हाँ भाई यही गैरी है, देख लो भाई धड़ है ही नहीं, नीचे का हिस्सा निकाले, ऊपर का हिस्सा वो भी खाली है, जिस तरह से दिख रहा है आर पार खाली है, ऊपर का हिस्सा यहाँ पे। हाल फिलहाल हम लोग कंफर्म कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, उसने बोला भाई आप नए ग्रेवयार्ड कीपर बनाए गए हो। चलो अच्छी बात है, गेम अपने आप आगे बढ़ता हूँ, यहाँ याद करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, और जाते हुए आगे चेकआउट करने जा रहे हैं कुछ चीज यहाँ पर, कुछ अजीब सा होता हूँ यहाँ पे। और एक गधा आ गया है यहाँ पर, लोग घोड़े दौड़ाते हैं, हम गधे दौड़ाने वाले, ये कैसा घोड़ा गधा है। कह रहे हैं कि वो डेंजरस भी हो सकता है, वहां से बोल रहा है, वो आया नहीं बाहर, वो बात कर। ये तो नया मास लेके आया भाई, ये क्या हो रहा है गेम में। अच्छा यार हम तो भूल गए, हम लोग कब्रिस्तान को संभालने वाले हैं, लाश से ही आने वाली है यहाँ पर। भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरे को लिखा हुआ आ रहा है वही मैं समझ रहा हूँ। ये कह रहा है कि मैं तो भाई काम करने वाला ही हूँ, और हर रोज मैं 5 गाजर खाता हूँ यहाँ पे, और जो मेरे लिए बहुत बेइज्जती का सवाल है भाई, गधा है तो गधे वाली इज्जत मिलेगी, और क्या, इंसानों को गधे वाली इज्जत मिलती है, तू तो गधा है फिर भी गधे की इज्जत मिल रही है यहाँ पे। चलो बेचारे जा रहे हैं शहर में, जाओ जाओ भाई, लाश छोड़ के गया ये तो, और धक्का देते हुए, कोई इज्जत ही नहीं है लाश की भी, क्या इज्जत होगी भाई, देखो 100% लाइफ है लेकिन मुर्दे की। कह रहा है कि ताजा ताजा मांस उठाओ और ले चलो इसको मॉर्ग में, और कह रहे कि बहुत फायदे का सौदा होगा भाई, वो सही में उल्टी हो जाएगी मेरे को ऐसा ही करेंगे तो, 99% हो गई लाइफ। चलो उठाओ इसको भाई, और कोई रास्ता है नहीं, अब चलो मॉर्ग, मतलब ये कब्रिस्तान का जो इनका लैब है उसके अंदर। ये कहाँ आ गए भाई, आई लाइक दिस प्लेस, फील्स लाइक होम। अरे भाई अच्छा उसके लिए, मेरे लिए होम नहीं है भाई, अभी नहीं हूँ, अभी तो जिंदा हूँ मैं, अभी इतनी जल्दी होम नहीं बनेगा।
अरे यही तो कह रहा, टुकड़ा ले लो यहाँ पर मास का और स्टार्टिंग करो अपना, स्टार्टर लो भाई। बस पी क्या बस लेने आया हूँ क्या, बस अनलिमिटेड यही रह गया यहाँ पे। बस 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 पागल हो गया ये बस बंदा, बस बस जेरी नाम है बस इसका। बस 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 चलो भाई जो कह रहे हैं वो करना होगा, पर बस मैंने भाई वादा ले लिया इससे, बस 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 गंगा जल की कसम खिला दी है इसको, बस पानी बस पिला दिया बस है कि भाई घर तो जा पाएंगे नहीं यहाँ पे, दारू पीना चाहता है भाई, पागल हो गया है बंदा। आ जाओ भाई नई रेसिपी हमको मिली है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। चलो ऑटोप्सी करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, पहले हम इसका निकालेंगे मांस। उल्टी हो जाएगी भाई मुझे अभी यहाँ पर, वीडियो के अंदर ही सीधा कैमरे के ऊपर ही है, माइक के ऊपर ही गिरेगा। अरे ये क्या बकवास है, मांस निकाला इंसान का, उसमें से बनेगा बर्गर सैंडविच और बेक्ड मीट। भाई ब्राह्मण आदमी को आप ये खिला रहे हो, हाल फिलहाल सोच के बस मुझे बस बस उल्टी जैसा हो ही रहा है। यू विल गेट यूज्ड टू इट, नहीं होना भाई इस लास्ट का क्या करूं यहाँ पर। चलो भाई बनाने जा रहे हैं, वो भी उसकी भी डिजाइन बन गई है, देखो कैसा लग रहा है यहाँ पर। उठाओ भाई यहाँ से, अरे यार बॉडी उठाओ ले चलो, इसको गाड़ने जाना है हमें। अरे इतना कोहरा क्यों छा गया भाई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मोतिया हो गया क्या मेरे को। आ जाओ जो भी है, हम जा रहे हैं यहाँ पर इसको लास्ट को दफनाने के लिए। फिर से वो आ गया है खोपड़ी जेरी। चलो भाई दफना दो, ये क्या बताया, अच्छा किस तरह से दफनाना है वो दिखाया है यहाँ पर। सही है, एक शॉवेल मिल गई हमें, चलो बढ़िया। अब शॉवेल तो मिल गई, चलो ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ग्रेव साइट यहाँ पर करेंगे, और यहाँ पर तो ऑलरेडी एक लाश है, कोई मतलब नहीं लग रहा, दो दो लाश लगाई जा सकती है, दो हाँ मिनिमम दो तो लगाई जा सकती है मेरे हिसाब से। देखो काफी जगह ले रहे हैं, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे कहीं खाली है जगह, चलो यही डाल देते हैं इसको स्टार्टिंग में। उठाओ भाई इसको, आ भाई तेरा आखिरी अंतिम विधि की जाए, तेरी आत्मा को शांति दी है। मैं जानता भी नहीं कौन है ये, जो भी है भाई काट दिया हमने, ऊपर से मिट्टी डाल दी। पहला मिशन भाई हमारा सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट वाला पूरा हो गया, हम सर्टिफिकेटेड सर्टिफाइड दफनाने वाले बन गए हम। अरे बहुत सब बिशॉप आए भाई, बिशॉप आए, अरे ये कौन है, अरे तो विजय माल्या लग रहे हैं पर दिखने में काली है नहीं। अरे भाग रहे हैं भाई साहब यहाँ पर, वेटिंग फॉर माय बियर, भाग रहे हैं भाई, ये कौन आया, बिशप है बिशप, इनको भी भाई कुछ काम धंधा है नहीं, बोल रहे हैं मुझे पता नहीं क्यों मैं एक हर हफ्ते यहाँ पे आता हूँ। भाई तुमको नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा यहाँ पर। चलो हम अपने आपको इंट्रोडक्शन करा रहे हैं यहाँ पर, नहीं वो खुद ही हमको जानते हैं यहाँ पर कि 30 साल से कोई आया नहीं है काम करने के लिए और हमको पकड़ा इन्होंने। ग्रेवयार्ड की हालत तो बहुत खराब लग रही है, यहाँ पर पेड़ जा चुके हैं, यहाँ पर कब्रें खुद चुकी हैं, ऐसा लग रहा है जिंदा हो रही है, 9 महीने बाद पैदा होते हैं बच्चे, वैसे कब्र में से पैदा हो रहे हैं। सजाने वजाने की बात की गई यहाँ पर, एक टेक्नोलॉजी हमें मिली है जिससे हम वुडन मार्कर बना सकते हैं। अच्छा 5 रेटिंग का हो जाएगा तब हम भाई लेवल अप हो जाएंगे यहाँ पर, ये अपनी बढ़ाई करने लगे भाई, ये सब में ऐसा ही होता है भाई, नकली बॉस जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। आप ये हर वीक आते हैं जब भी वो कुछ समय बताए यहाँ पर, पता नहीं क्या है। कह रहे हैं ये तो पुराना रिवाज है इसलिए आना पड़ता है, नहीं तो मैं आऊं भी ना यहाँ, हर बात हंसने की भी आदत है इनको। हाँ भाई ये ब्यूरियल सर्टिफिकेट क्या है यहाँ पर, अच्छा विलेज के टैवन में जाकर मैं को अपना सर्टिफिकेट ले सकता हूँ, जब जब मैं कोई दफनाता हूँ ना कोई चीज तो मैं उसका सर्टिफिकेट ले सकता हूँ। हाउ कैन आई फिक्स दिस ग्रेवयार्ड, ये तो पता है, आई एम नॉट द कीपर, आई वॉज गोइंग होम फ्रॉम वर्क। हाँ भाई ये तो कहना चाहूंगा मैं, अरे भाई ये तो मजाक समझ रहे हैं, बीबी बीबी की वाइंस वम बाम, अबे वो अपने आप को बीबी कह रहा है भाई, ये बीबी है, देखो हंस भी रहा है। अच्छा ब्लैश एंड ब्यूटीफुल, तो ठीक है भाई तुम ब्लैश तो हो सकते हो, ब्यूटीफुल तो नहीं हो यहाँ पे। अबे इग्नोर हिम, काहे का लाभ इसके ऊपर करूंगा मैं, हाउ कैन आई फिक्स दिस, ओके इस तरह से करना, ये करेंगे हम लोग बाद में भाई। अबाउट दिस सर्टिफिकेट हमें जाना होगा वहां पर यार, क्या कहते हैं टेवन पे, ओके चलो चलो चलो। भाई अबाउट द टाउन, हाँ भाई टाउन में है, टाउन इज द हार्ट ऑफ द ग्रेट लैंड पैलेस, हियर एवरीथिंग इज हियर, इट इज नॉट फार फ्रॉम द विलेज, जस्ट हेड साउथ फ्रॉम द टैवर्न, ओके नो मोर क्वेश्चन भाई, टाटा बाय बाय, मिलते हैं बाद में यहाँ पर। अच्छा ठीक है, क्राफ्ट कर सकते हैं यहाँ पर, कैसे होगा, वुड वर्किंग के थ्रू होगा, ठीक
है ठीक है ठीक है। कुछ कुछ चीजें हम लोग कलेक्ट करने लगे हैं यहाँ पर, ये देख सकते हो यहाँ पर सब, ये अजीब सा कुछ आया है ग्राफ, ये जैसे जैसे हम लोग अनलॉक करेंगे वैसे वैसे ये भी कलेक्ट करेंगे वैसे वैसे अनलॉक होगा, ये कुछ अजीब सा है चार्ट, रेसिपी जैसा है समझ लो। ये तो ऊपर जाने को कह रहा है, क्या है भाई यहाँ पर, चलो इसको ओपन करो यार। और ट्रंक से मैंने इन्वेंट्री में डाला है, ये सब गायब क्यों हो गया, ये नहीं समझ में आया मुझे तो। चलो जो भी हुआ सब हो चुका है, ये देखो देख सकते हो रेटिंग देख रहे हो भाई ये लोग, ये जो रेटिंग है ना इसको हमें सुधार कर 5 तक, ये रेटिंग नहीं है, हाँ भाई ये रेटिंग ही तो है। इसकी ग्रेव का ऑप्शन आ रहा है, अभी हम इसको कुछ करेंगे नहीं, यहाँ जो मार्क आ रहा है वहां जाते हैं। अरे भाई पसीना हो गया, अरे ये क्या निकाला, अच्छा मिरर निकाल रहा है, हीरो है भाई हीरो अपना, गोली नंबर 1 है ये। चलो आगे चलते हैं, वाह भाई लग रहा है विलेज में आ गए हम लोग, कितनी भाई गेहूं की खेती देख लो, कितना मस्त लग रहा है ये पूरा एरिया। पिक्सल गेम्स यही खासियत है भाई, कई कई बार तो बहुत खूबसूरत लगती है। अब हम जहाँ जाना था वहाँ पहुँच तो गए हैं, जी हाँ पहुँच गए हैं हम। ये है क्या एक बार वो देख लेते हैं, टैब दबा के मैप में, ये तो भाई कुछ दिखा रहा है, तो विलेज में आ गए, इसके साउथ में जाने को कहा था यहाँ पर, तो टैवर्न मिलेगा पता नहीं क्या। अभी हाल फिलहाल यहाँ एंट्री लेते हैं, जाके बात करते हैं भाई साहब से, ये यहाँ के मालिक लग रहे हैं। अच्छा हाँ टैवर्न आ गया यहाँ पर, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कुड आई नॉट हैव रिकॉर्डेड, भाई पहचानते हैं सब मुझे, अच्छी बात है। चर्च की बात तो बहुत दूर की बात है, चर्च ओपन करवाना चाहते हैं भाई, पहले ग्रेवयार्ड कर लूं, मुर्दों को कर दो, बाद में भगवान को हम करेंगे पैदा संभालेंगे। ब्यूरियर सर्टिफिकेट के बारे में जानना है भाई यहाँ पे, बताओ मनी ओके, भाई साहब के पैसे ही नहीं है यहाँ पर, भाई पैसे की कमी है, पैसे का इधर गेम है पूरा। ठीक है हमें चर्च खोजने का भी अब काम करना पड़ेगा यहाँ पर। टाउन पास क्या है चीजें, पता नहीं क्या क्या सवाल है भाई, बहुत सवाल होता है इस गेम में, आप नए हो ना जब इस तरह की गेम, वैसे ही होता है यहाँ पर। सिटीजनशिप सब कहाँ खरीदने की औकात है यहाँ पर। मिस चाम ओके, ये कोई है जो हमें टाउन पास खरीदने में मदद कर सकती है, अब देखो कौन है, अभी आइडिया नहीं मुझे यहाँ पर। फेस मीट यहाँ पर मिल चुका है, नहीं टास्क मिला एक्चुअली, और अब वो क्या है वो पता लग गया यहाँ पर। भाई स्टैम्प तो नहीं है मेरे पास तो एक्चुअली, नो स्टैम्प्स कहाँ से मिलेगा उसके बारे में बात करते हुए यहाँ पर। मेल बॉक्स है नियर चर्च, वी गॉट योर बंडल, फॉर्म टू द रॉयल कोर्ट थ्रू द मेल बॉक्स नियर द चर्च, बट वी कॉस्ट योर बंडल ओके, बिकॉज वी आर नेबर्स कम क्लोजर ओके, कान भाई नजदीक लाने को कह रहे हैं। देयर इज अ गाय कॉल्ड स्नेक, आई थिंक ही इज अ फेक रॉयल स्टैम्प, बट यहाँ पर भी भ्रष्टाचार आ गया है यहाँ पे। ओके 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 चलो भाई, इनसे तो हम ले रहे हैं अभी के लिए विदा, ब्लैकमिस्क क्रेसवोल्ड को जाके देना है यहाँ पर, ठीक है कोई लेटर दे रहे हैं यहाँ पर, कहाँ मिलेगा वो, साउथ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ द विलेज ओके। अब नियम के हिसाब से देखा जाए तो साउथ ईस्टर्न कॉर्नर मतलब विलेज ये कुछ होना है यार, साइन तो बना हुआ है यही है, आ जाओ। और किससे मिलना है अभी, मैं अभी कुछ ज्यादा ऑप्शन आए नहीं है, ये बहन जी से भी है, ये कौन है पता नहीं। हाँ भाई मैं ग्रेवयार्ड कीपर हूँ, बहुत सालों से जी रही है भाई, मिसेस चैन है ये, वो नहीं है भाई ये वो नहीं है जिसके बारे में, मिस चाम नहीं है, मिसेस चैन है, मिस चैन है, काफी कंफ्यूजन हो रहा है दोनों में। अच्छा विलेज के हेड भी हैं ये भाई साहब जो दारू बेचते हैं, बोलो गाँव भी भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। चलो भाई पहले हम इनका लेटर पहुंचा देते हैं, उसके बाद में सारी बातें करेंगे। ये आ गए हम लोग ब्लैक स्मिथ के पास, यही थे ना भाई साहब, इन्हीं के पास पहुंचाना है। हाल फिलहाल ये कंफर्म कर ले भाई यहाँ पर, ब्लैक माइन मिक्रेस वर्ड ये गिव हिम द लेटर ओके, हैप्पीनेस बढ़ गया बेचारे का 10। भाई ये कौन सी भाषा होती है, वाह 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 वाह, पता नहीं क्या है यार यहाँ पे। एक तो रस्सी शॉर्ट एंड एनर्जी पोर्शन द शॉर्ट इज ब्रोकन, नाउ यू कैन रिपेयर इट टू द वेटस्टोन एंड ग्रिंडर राइट बिहाइंड मी ओके, वेटस्टोन यू राइट कैन, यू कैन कीप द वेटस्टोन, मे बी यू नीड रिपेयर, अच्छा 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 अच
यहाँ पर ये तो मैं समझ गया, डिफरेंट एक्शन इन द एनर्जी गेम्स कॉस्ट एनर्जी, ठीक है ठीक है। मेटल हॉर्न स्वैम्प सॉइल, देयर इज अ ह्यूज स्वैम्प इन द वेस्ट अक्रॉस द रिवर, ओके। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर एक तलवार दी इन्होंने, वो तलवार में जाकर पहले तो इसकी धार बढ़ाऊंगा, पहले इसको मैं क्राफ्ट कर लूँ। यहाँ पर तलवार दी इन्होंने ये वाली और मैं इसे करूँगा क्राफ्ट, थोड़ा काम भी कर लेते हैं भाई। अभी तक तो हमने सिर्फ बातचीत की है, कुछ काम तो किया नहीं। यहाँ बन गई यहाँ पे, अभी क्राफ्ट का ऑप्शन फिर से आ रहा है। एक स्वॉर्ड मिली है मुझे, इसको यूज कैसे करना है वो मुझे आइडिया इस वक्त नहीं है। टैब दबाकर अगर हम कैरेक्टर में जाते हैं, तलवार हमें मिल चुकी है। अच्छा अनइक्विप का ऑप्शन आता है, अनइक्विप नहीं करना यार, इक्विप का ऑप्शन नहीं, यूज का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा वो मुझे नहीं मालूम। ये तो लगता है टॉयलेट घर है इनका, दिल भी बना है पता नहीं क्यों। और बाकी की चीजें तो यहाँ पर, अच्छा इनके घर में भी जा सकते हैं लेकिन अभी बंद है। जब हमारी दोस्ती बढ़ जाएगी दोनों की तब ये खुलेगा। आओ मैं आपको मिलाता हूँ यहाँ पर वो कीड़ों से जो पीछे की तरफ है, लेकिन उनसे लड़ना कैसे वो मुझे भी आइडिया नहीं है। ये देखो और भाई ये तो कुछ गन वन कुछ हाई नहीं रहा हथियार हथियार नीचे, मैं कहाँ से इसको मारूं। चलते हैं हम लोग वापस से वहां टैवर्न की तरफ। एंट्री हुई है हमारी, अरे यार वो आई नहीं अभी तक, मिस जाम यार। भगा दिया भाई इसने तो, और तो कोई भाई, ये तो दोनों जुड़वा भाई हैं, दोनों में लगता है इन दोनों का भी मूड खराब है, एक दूसरे से दूर बैठे हैं। ये कौन है राजा जैसे लग रहे हैं, बैड लक नॉट टुडे। अरे भाई मैं पनौती नहीं हूँ यार, मुझे पनौती समझना, निकलो तो भाई, जब इज्जत ही ना हो तो वहां रुकना ही नहीं चाहिए। रात हो चुकी है पूरी तरह से, अब बात करते हैं इसे। We can talk in the day, not now. अरे भाई मुझे कहाँ ले जा रहा है, लेकिन धूपिया लगता है ठिकाने में ले जा रहा था। अच्छा और रोक लिया, ये देखो भाई इनका मुर्गी का अंडे का फार्म आया है। अरे अंडे मिल गए वो फ्रेश, अरे वाह ऑमलेट बनेगा और फ्राइड। बाकी मैं खाता नहीं हूँ, पर एटलीस्ट मांस से तो बेहतर ही है किसी के। चलो बेहतर हो गया। अरे ये कौन मिले, तो बहुत बूढ़े आदमी लग रहे हैं यार, और ये किस तरह की हालत में है। मैंने तो पागल कहा था उसको, बोला क्या तुम समझते हो मैं पागल हूँ। भाई कौन बोलेगा पागल को पागल। अच्छा देख नहीं सकते, I will tell him a sweet line. Okay. यहाँ पर हमें एक हनी लानी है, देखो हनी मिल जाएगी हमें तो, ये हमें केक बनाना सिखाएंगे। अब पता नहीं केक का फायदा है कि नुकसान है, लेकिन बना सकते हो। ये हम लोग आ गए पता नहीं कहाँ, यहाँ पर तो भाई दूरबीन उरबीन लगा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है, या अजीब से कुछ है, निशान है। ये सब यंत्र हैं भाई, समय बताने वाला, ये वाला समय बनाने वाला बताने वाला यंत्र है। ये सब मछली वछली पकड़ने का लग रहा है, ये क्या है लेकिन, होली मैकरेल बॉय। अच्छा फिशिंग के बारे में जानने को कह रहे भाई, अभी तो मुझे खुद को आइडिया नहीं कितना फिशिंग जानना चाहिए कितना नहीं जानना चाहिए। फिशेस आर रियल टेस्टी कह रहे हैं, साउंड्स ग्रेट। मैं रेडी हो गया भाई यहाँ पर, यहाँ पर हम आ तो गए, इनसे मछली का लेना है, पर यहाँ है कहाँ, मुझे कोई मछली का दिख नहीं रहा है। यहाँ पर ये रखा हुआ है दो, लेकिन कोई देने वाला नहीं है, लेने वाला नहीं है कोई। आई लग ना हाउ टू, ऑल आई नीड इज अ रॉड। नहीं भाई मुझे बताओ, कैन यू शो मी हाउ टू डू इट। यस मिल गया भाई हमें, ग्रेट बैंक फिश बन सकता है, फिश सूप और फिश नगेट्स का भी ऑप्शन मिला है। अरे भाई मछली की तरह नहीं सोचना, मुझे कह रहे हैं चाहिए। भाई मैं लाऊं कहां, आई हैव द मोथ्स फॉर यू। अभी मोथ नहीं है मेरे पास भाई, मैं मोथ कहां से लाऊं। वो मैं अगर टैब देखता हूं मेरे पास तो कोई ये भी नहीं है बनाने के लिए, तो मैं पता नहीं कैसे करूंगा ये। पर टास्क मिल चुका है हमें ये वाला, कुछ ज्यादा फायदा हुआ नहीं, लेकिन ये तो भूल ही गया मैं, हम क्या पेड़ कटिंग कर सकते हैं। हमें लेवल अप मिलता है इसके 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 बदले में, और वो लकड़ियाँ भी ले जा सकते हैं, लेकिन मैं एक बार में एक ही उठा सकता हूँ, तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है मेरे लिए। अरे भाई इसकी ताकत ही नहीं है मेरे हाथ उसमें कुल्हाड़ी में कि इस पेड़ को काट सके, ये भी नहीं काट पाएगा, छोटे छोटे को काट लेंगे, खुद को काट लेंगे। मौसम खुल गया काफ़ी अच्छी बात है, लेवल अप भी हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं हुए लेकिन हुए हैं थोड़ा। ये देखो हम ये भी कलेक्ट कर सकते हैं फूल वूल,
हर तरीके के फूल। एनर्जी जा रही है, कुछ मिल नहीं रहा, तो आओ हम भाई कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके एनर्जी खर्च करने पे कुछ मिले भी हमें। ठीक है, 5-5 पॉइंट बढ़ते हुए स्टिक भी हमें मिल रही है वुडन की, एनर्जी भी जा रही है, वो भी ध्यान रखना होगा। एनर्जी अगर खत्म हुई तो भाई बहुत गड़बड़ हो जाएगी हमारे लिए। फूल भी मिला पेड़ काटने से, एनर्जी भी मिली, एनर्जी नहीं मतलब लकड़ियां मिली। अब 8-10 हो जाए, चलो 7-10 हो गए, ये लाल वाला 10 हो जाए तो मजा आ जाए थोड़ा। ठीक है, 8 तक तो पहुंच गया है, बस अब थोड़ा सा और, वो तो 11 हो गया ग्रीन वाला। ग्रीन नहीं, रेड चाहिए भाई, हमें रेड चाहिए। मैं बेहोश होने वाला हूँ भाई, पता नहीं क्या होगा, मुझे भी आइडिया नहीं है एग्जैक्टली कि जब मेरी एनर्जी खत्म हो जाएगी। अच्छा, एनर्जी खत्म हो गई भाई, अब क्या करोगे तुम? एनर्जी कलेक्ट तो होगी नहीं, मुझे पक्का पता है ये बात। अरे फिर से, अरे ये भाई, अरे मैं पहले, अरे अरे कहाँ ले जा रही है मेरे को ये, हम लोग अब फिर ये ले जाएंगे। तो चलो हम लोग अंदर चलते हैं, कुछ आया कि नहीं, कुछ नया? आ गए, आ गए, कोई आ गई भाई। अब ये कौन है? वाड़ा बू डाडी डार बू बीबी, ये क्या गा रही है भाई? यू वांना बी लव्ड बाय मी, हां यस आई वांना लव्ड बाय मी, शलूबा डूबा, वाह वाह भाई, ये कौन है? इना मीना डीका है क्या? जो भी है बहुत जबरदस्त नहीं है, कौन? अरे मिस चाम यही है भाई, हेलो मिस चाम, आपसे तो मिलना था मुझे। पूछ पूछ भाई, क्वेश्चन पूछने के लिए हम पूछ रहे हैं इनसे। अरे भाई ये तो बोल रहे वापस ले जा, तेरे जैसे लोगों के साथ काम कर, तेरे जैसे लोगों से बात भी नहीं करूंगी मैं, न्यू टास्क आता हूँ एक। भाई टाटा बाय बाय हो गया। अब ये भाई साहब जिन्होंने हमें भगाया था लास्ट टाइम, वो कुछ बात करना चाहते हैं, इनके लुक को देख के लग रहा है कोई शायर वायर है। मिस चाम ने क्या कहा है मेरे से पूछा? मैंने तो बोल दिया साहब साहब कि भाग जाए यहाँ से, ऐसा बोला। अरे बिल्ली भी है यहाँ पर, सॉरी ध्यान चला गया, ध्यान हट गया यहाँ पर, बता रहे किसी से बात नहीं करती मिस चाम। अच्छा ये कवि है, मैंने कहा ना भाई इनके लुक देख के लग रहा है, मोजा लगाए हैं सर पर, फटा हुआ आधा कपड़ा लड़कियों वाला पहना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इनके पास पेपर इंक खत्म हो गए यहाँ पर, अगर हम इनको दे देंगे तो ये कुछ मदद करेंगे हमारी। ठीक है, पिंक और पेपर इंक मिलेगा कहाँ पे? चर्च में। ओके यू कैन मेक इट, आई एम नॉट यूज मैनुअल। ओल्ड एस्ट्रोलॉजर के पास से मिल सकता है यहाँ पर। He used to go to the lighthouse every night. Okay. Old astrologer से हम मिल चुके हैं शायद यार यहाँ पे। शायद। अर्थ तो भाई, अर्थ तो राउंड ही है भाई यहाँ पर। ये भाई सब को विश्वास नहीं हो रहा यहाँ पे। अब कह रहे हैं कि तुम दोनों महान लोग मिलके बात करना, मतलब कि बेवकूफ लोग मिलके बात करना। वो समझता है कि अर्थ अर्थ फ्लैट है भाई, अर्थ गोल है, दुनिया गोल है भाई, कहते हैं ना। लाइट हाउस के बारे में पूछते हैं कुछ यहाँ पर, कुछ मालूम पड़ जाए यहाँ पर। ईस्ट ऑफ द विलेज, हाँ भाई यहाँ तो हम वो आए हैं हम लोग। चलो भाई इनको टाटा बाय बाय करो, इनको भी कोई मतलब है नहीं, जिंदगी बर्बाद है इनके वहां। अब मेरे पास दो ऑप्शन आ चुके हैं मुझे, तो भाई पहली बात मछली का रॉड ढूंढना है, दूसरा मुझे वो पेपर इंक वाला भी काम करना है, और एस्ट्रोलॉजी वाले भी बात काम बाकी है। पहले मैप देख लेते हैं, मैं लगभग अभी यहाँ पर हूँ। एस्ट्रोलॉजर मुझे मिला था यहाँ, नहीं यहाँ कहीं मिला था एस्ट्रोलॉजर, और लाइट हाउस यहाँ पर। कोई और भी मिला है हमें जो एटलीस्ट बात करने के लिए रेडी है यहाँ पर। डेली प्रोडक्ट बेचते हैं, डू यू हैव एनी फेस वीप? हाँ भाई बहुत अच्छी बात कही यार, गाय हमारी दोस्त होती है यहाँ पर। कह रही है कि कुछ लोग हैं जो इंसानों का मांस खाते हैं। भाई अभी अभी मैंने यहाँ पर मजबूरी में करना पड़ा था, काम ही ऐसा था, निकालना पड़ा था, तो हम क्या? अरे भाई गाय और भैंस दोनों है, भैंस नहीं है दोनों गाय ही है, और बहुत खूबसूरत लग रही है गाय। ये कौन आ गया भाई? इनसे बात हो सकती है यहाँ पर, तो ट्रेड करने वाले भाई साहब यहाँ। गोबर गाय का लिए नहीं चाहिए भाई जी। ये कौन मिल गया? सब नए नए लोग मिल रहे हैं भाई, है कौन? स्ट्रेस है यहाँ पर। अच्छा वुडन मटेरियल चाहिए हो तो, अच्छा कौरी से मिलना पड़ेगा इसके भाई से। अगर आपको भाई लोहे का काम हो तो इसके भाई से मिलो, लकड़ी का काम है तो इससे मिलो भाई, सही है। वुड रिपेयर किट तो नहीं चाहिए अभी। अबे ये कौन आ गया अचानक से? पीएस कम हियर भाई, वेयर यू बीन?
ये तो वो आगे गैरी अपना ही वाज द विलेन। सेलर इन योर कॉटेज सम प्रोविजंस मस्ट बी स्टोर्ड देयर। ओके अरे ये क्या मिला हमें, मशरूम मिला, बेरी और एप्पल, हम अब कलेक्ट कर सकते हैं। वाह भाई पेड़ पे मैंने बहुत सारे देखे थे, कलेक्ट ही नहीं किया था मैंने एक भी, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब आ गई है यहाँ पर। अरे वाह पेस्ट्री की चीजें भी बना सकते हैं हम लोग। अरे भाई और भी चीजें आ रही हैं यहाँ पर। क्वेश्चंस कह रहे हैं आस्क अबाउट द स्मॉल रोड, पूछ लेते हैं यहाँ पर कैन यू टेल। अभी भी इनको दारू नहीं मिली। अरे भाई गायब हो गए यहाँ पर, मैं जा रहा हूँ घर पे सोने भाई। यहाँ पर मेरी एनर्जी देखो कुछ खत्म हो गई ना, मैं कुछ चला सकता हूँ ना तलवार कर सकता हूँ, कोई मतलब नहीं। घर चलते हैं जाके सोते हैं, फिर वहां पे देखेंगे क्या होता है। ये लाशें बंद था, पता नहीं कैसे ये अंडरग्राउंड खुल गया। यहाँ पर अजीब सी आवाज आ रही है। अरे ये तो भाई कनेक्टेड है भाई, ये गेट कहाँ से मिल गया? ये भाई साहब रास्ता ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ, ये कौन है क्या है समझ नहीं आ रहा मुझे। ये जो भी इंसान है ये रास्ता खोज रहे हैं यहाँ पर। भाई मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं रास्ता खाली कर सकूं, मेरे को देखो लकड़ी के ये सब सामान चाहिए होंगे तभी ये रास्ता क्लियर हो पाएगा, बस है ही नहीं। ये सब चीजें हमें बनानी पड़ेंगी भाई, ये सब में वाट लगने वाली है, जम के मेरी। पहली बात तो एनर्जी नहीं है, पहले एनर्जी लाओ आप। अभी क्या है, ये क्या है, रेसिपी है सिंपल टेस्टी और कुछ है यहाँ पर, अभी हम बाद में देखेंगे। हम लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे बिल्ड भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मेरे पास अभी कुछ है ही नहीं, एनर्जी नहीं है। मैं जाके सो जाओ भाई, नींद पूरी कर लो फिर आना तुम, आ जाओ सो जाओ पहले तो। हाँ ओपन करके देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है ओपन करने में, तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, सो जाओ। चलो भाई यहाँ पे हम लोग सो रहे हैं। गेम प्ले भाई मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ आज के दिन का। मैंने ज्यादा कुछ दिखाया नहीं, गेम की स्टोरी चालू हुई आज और नए लोगों से हमारी मुलाकात हुई। डिपेंड करता है इस वीडियो को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे इस गेम प्ले में और आप लोगों से भी करेंगे मुलाकात। अभी के लिए मैं ले रहा हूँ विदा, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोस चैनल पे देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।